जय हिंद। इस वीडियो में हम बात करेंगे LIC के बारे में, वही LIC जो इन दिनों अपने निवेशकों को खून के आंसू रुला रही है। ये वही LIC है जिसका जब IPO आने वाला था तो हजारों और लाखों डीमेट अकाउंट महज कुछ माह में ही खुल गए थे, और उसी लाखों नए डीमेट अकाउंट के बदौलत लाखों लोग, बहुत सारे नए लोग स्टॉक मार्केट में पहली बार एंट्री लिए, और लोगों में काफ़ी उत्साह था कि वो लोग गवर्नमेंट की कंपनी में पैसा लगाने जा रहे हैं, और उनको भरोसा भी था एक प्रकार से कि गवर्नमेंट की कंपनी में पैसा लगाएंगे और स्टॉक मार्केट से पैसा कमाएंगे, उनको भरोसा था कि इस कंपनी में पैसा बनेगा। लेकिन अब यही LIC उन लोगों के उत्साह पर भारी पड़ रहा है, और सिर्फ उन्हीं लोगों के उत्साह पर नहीं जो पहली बार डीमैट अकाउंट ओपन करके नए शेयर बाज़ार में एंट्री किए थे, बल्कि तमाम वो पुराने निवेशक भी जो बाज़ार के जिन्हें अच्छी समझ है, उनका भी पैसा इस स्टॉक में लगा हुआ है, और ये LIC का IPO, LIC स्टॉक उन निवेशकों पर भी भारी पड़ रहा है। लोगों का बिलीफ सिस्टम कमज़ोर हो रहा है, क्योंकि जब गवर्नमेंट की कंपनी, इतनी बड़ी और इतनी अच्छी कंपनी डूबेगी तो जाहिर सी बात है अच्छे अच्छे लोगों का भरोसा भी डगमगाएगा, और ये भरोसा कमज़ोर इसलिए हो रहा है क्योंकि स्टॉक का प्राइस कमज़ोर हो रहा है। स्टॉक का प्राइस धीरे धीरे नीचे आ रहा है, और धीरे धीरे नहीं, काफ़ी तेज़ी से नीचे आ रहा है। अभी आज के दिन का प्राइस की बात करें तो आज इसके जो शेयर प्राइस है 590 रुपये पर, अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब ट्रेड कर रहा है। आज के दिन भी देखेंगे तो तकरीबन 2% के आसपास इससे स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। हालांकि एक सप्ताह और एक माह की गिरावट की बात छोड़ भी दें तो लिस्टिंग से देखेंगे तो लगता है इसमें गिरावट हो रहा है, और लिस्टिंग से अभी तक लगभग 30% यह स्टॉक टूट चुका है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि LIC का IPO जब लिस्ट हुआ था मई में, तो उस समय इसका शेयर प्राइस 902 रुपये था, यानी कि इस प्राइस पर इसका लिस्टिंग हुआ था, और अभी देखेंगे 902 रुपये से कम होकर 590 आ गया है। ऐसे में वो लोग अभी अपने आप को काफ़ी लक्की मान रहे होंगे जिन लोगों को LIC का IPO अलॉट नहीं हुआ था, उनमें से मैं भी एक हूँ। मैंने भी इस LIC के IPO के लिए अप्लाई किया था लेकिन मुझको अलॉटमेंट नहीं मिला था। हालांकि जब मैंने अप्लाई किया था तभी से इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम डाउन जाने लगा था, तो मैं चिंता में आ गया था। ये बहुत अच्छा हुआ कि मुझको IPO नहीं मिला। लेकिन ऐसा बात नहीं है कि जिन लोगों ने इसमें अप्लाई किया वो ना समझते या उन्होंने कोई बड़ी गलती कर दी है, ऐसी बात नहीं है। देखिए, मैंने कुछ दिन पहले इस कंपनी के ऊपर एक वीडियो बनाया था 3-4 दिन पहले, और उसमें बताया था कि आप इसमें तुरंत एग्जिस्ट कर लीजिए। जो लोग इसमें से निकल गए होंगे वो बेशक थोड़ा तो लॉस लेकर निकले होंगे, लेकिन जो लोग अभी तक इसमें बने हुए हैं वो कुछ ज़्यादा ही लॉस अभी तक झेल रहे होंगे, और जितने समय तक बने रहेंगे अभी उतना ज़्यादा लॉस उनको होते रहेगा। देखिए, कारण ये है कि अभी LIC का ये स्टॉक पहली बार शेयर बाज़ार में लिस्टेड हुआ है, और जहाँ पर लिस्टेड हुआ था वहाँ से कंटिन्यू डाउन जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी इसका कुछ सपोर्ट जोन नहीं है, यानी कि प्राइस किस सपोर्ट लेवल पर जाकर ठहरेगा वो इसमें कोई फिक्स नहीं है। आप ग्राफ में देखेंगे तो देख सकते हैं कि एक बार यहाँ पर ठहराव लेकर प्राइस ऊपर उठा है, क्योंकि इसके पहले यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया था, लेकिन अभी देखेंगे तो इसके नीचे जब प्राइस आने लगा है तो फिलहाल कोई सपोर्ट हमें नहीं दिख रहा है। इसलिए कह सकते हैं कि इसका प्राइस अभी और नीचे आएगा, क्योंकि अक्टूबर माह में देखेंगे तो हाई सेलिंग इस स्टॉक में देखने को मिला है। वजह साफ है, क्योंकि प्राइस 600 लेवल को भी तोड़ दिया था, तो जाहिर सी बात है लोग तनाव में थे, इससे भी नीचे जा सकता है। और अभी तो ये प्राइस जब 590 आ गया है तो 550 तक भी जाएगा, 400 तक भी जा सकता है। अब ऐसे में आप इसमें एवरेजिंग करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा। यदि आपको लॉस हो रहा है तो आप तुरंत इसमें से एग्जिट कर सकते हैं। एग्जिट करने के बाद पैसा कहाँ लगाना है मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आप वो वीडियो देख सकते हैं। और देखिए, जो लोग ऐसे हैं जिनको LIC पर भरोसा है, हालांकि भरोसा है तो एक ख़राब बात नहीं है, भरोसा होनी चाहिए, तो उन्हें अगर वो लोग अपना लॉस रिकवर करना चाहते हैं, या जो ये भी मानकर चल रहे हैं कम से कम उनका शेयर प्राइस 700-800 रुपये तक भी आ जाए तो निकल जाएंगे, तो ऐसे में उन्हें समय देना होगा। LIC के इस स्टॉक में जब आप समय दीजिएगा तभी इसका प्राइस 700-800 रुपये तक आएगा, और आपको थोड़ा बहुत लॉस हुआ है वो रिकवर हो सकेगा। देखिए, LIC का जो ये स्टॉक है ना, इक्विटी मार्केट पर पूर्ण रूप से डिपेंड करता है। मार्केट जिस तरह काम करेगा, हालांकि मार्केट तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ डाउन जा रहा, मार्केट ने अच्छा भी काम किया, लेकिन उसके बावजूद अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो इक्विटी मार्केट अगर अच्छा काम करेगा तो LIC के शेयर में बढ़ोतरी आएगी। सही बात है, आपको समय देना होगा, और फंडामेंटल इस कंपनी का उतना भी बुरा नहीं है। गवर्नमेंट स्टॉक है, काफ़ी अच्छा खासा फंडामेंटल इस स्टॉक का, और कर्जा भी कंपनी का लगभग अब नहीं के ही बराबर रह गया है, बहुत कम कर्जा है इस स्टॉक पर। तो आपको यदि लगता है कि इसमें समय देना चाहिए तो बेशक समय दीजिए, समय दीजिएगा तो आपका लॉस थोड़ा बहुत रिकवर होने का चांस है, लेकिन जितना समय आप इसमें दीजिएगा अपने लॉस को रिकवर करने के लिए, उससे कम समय में पैसा निकाल कर दूसरे स्टॉक में लगा कर अपना लॉस रिकवर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। मन में कोई भी डाउट है या सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछिए, और यदि आपके पास डीमैट अकाउंट या शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो आप एंजलों के साथ अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।